फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 को करने से पहले जिस फार्मूलों पर ये बेस एक्सरसाइज है, ठीक है, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। वो फार्मूले हैं सरफेस एरिया का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सरेंडर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर एक कोन है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर जो है इसके कवर है, ढक्कन जो होते हैं, ठीक है, ये पूरा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसमें दो तरह के होंगे, दो कौन कौन से होंगे, अगर मैं इसको अलग करता हूं, ठीक है, इसको मैं अलग करता हूं, जिसमें विदाउट जो ढक्कन है, विदाउट जो इसका कवर है वो होगा, ठीक है। एक तो इस तरह का होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा विद ढक्कन के साथ होगा, ठीक है, ये इसके यहां पर कवर होंगे, ठीक है। इसमें जो हम बोलेंगे, हम इसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं CSA, ठीक है, क्या, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये दो हमारे पास बेलन से जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जो लंबवृत्तीय बेलन से दो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आते हैं, एक CSA कर्व सरफेस एरिया, एक TSA टोटल सरफेस एरिया। TSA मतलब वो कवर है, उसमें ढक्कन के साथ है, और CSA मतलब उसमें ढक्कन नहीं है, वो आर पार है, ठीक है, होलो है, इस तरह का हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमारे पास दो हो गए यहाँ पर, एक तो होगा CSA, एक हो गया TSA, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सरफेस एरिया जो निकल कर कैसे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की सीट है, अगर मैं इसका सीट बनाऊं, सीट कहां से आई है, ये सपोज करो एक हमारे पास इस तरह का बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, इसको हमने यहां से क्या करा, कट कर दिया, ठीक है, इस बेलन को यहां से हमने कट करा, कट करने के बाद किस तरह का बना वो बेलन इस तरह का बन गया, ठीक है, कट करने के बाद इस तरह का बेलन बन गया, इसको हमने क्या करा, ओपन कर दिया, यहां से क्या आ गया, ये ओपन कर दिया, तो इस तरह का बन गया। ये जो गोल वाली जो लेंथ है, ये क्या है हमारे पास, ये जो है सर्किल है, सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होती है, परिधि होती है, जो लेंथ होती है उसकी बाउंड्री, वो क्या होती है, 2πr, ठीक है। इसकी जो हाइट क्या है, h है, तो बाउंड्री जो यहां से यहां तक कहां बन कितनी हो गई है, इसको जो हमने बीच में से काट कर यहां से ओपन कर दिया, इस तरह का ये बन गया, तो ये हुआ 2πr, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, h, यहां पर r जो है त्रिज्या है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सर्किल की जो त्रिज्या है। अब देखो, अब हमें निकालना है क्या, इसका एरिया, एरिया क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारे पास चौड़ाई हाइट दे रहा, हाइट दे रहा, हाइट एच दे रखी है चौड़ाई, और लंबाई क्या दे रखी है, 2πr, तो इस पर भी ढक्कन तो है नहीं, तो क्या आएगा इसके निकल के, इसका आएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr मल्टीप्लाई में एच, क्या हो जाएगा, 2πrh, तो कितना आ गया, यह आ गया 2πrh, ठीक है। तो इसका CSA कितना आ गया, 2πrh, ठीक है। इसी तरह से अगर TSA की बात करेंगे, जब इसमें ढक्कन होंगे दोनों, ठीक है, एक कवर यहाँ पे होगा, एक कवर यहाँ हो जाएगा, तो कवर कैसा है, वो कवर जो इस तरह का है, वो ठीक है, सर्किल की तरह कवर है, ऊपर हमने कवर लगा दिया, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, टोटल सर्फेस एरिया में, एक ये ऐड हो जाएगा और एक ये ऐड हो जाएगा, तो TSA जो आएगा इसका, TSA हो जाएगा 2πrh प्लस में π
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर वाला ऐड हो गया, एक पाई आर वाला स्क्वायर ऐड हो गया, किसका, कवर का, ढक्कन का, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। यहां से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो बचा कितना, एच यहां पर बच गया प्लस में एक आर यहां बच गया, तो टीएसए कितना आ गया, 2 पाई आर एच प्लस आर, तो टीएसए हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच प्लस में आर। तो इसको जो है क्या करें, नोट डाउन कर लें, ये पूरी जो एक्सरसाइज जो है 13.2 इन फार्मूलों पर बेस होगी, सरेंडर पर बेस होगी, लंबवृत्तीय बेलन पर बेस होगी। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। प्रॉब्लम है हमारे पास द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, उसका जो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है वो दे रखा है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हाइट दे रखी है एच, ये हमारे पास दे रखा है क्या, सी एस ए, क्या दे रखा है, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास का मतलब क्या है, हमें बेलन की त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यास हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, R है, ये H है, ठीक है। अगर मैं इसके व्यास की बात करूं, ठीक है, व्यास डायमीटर की अगर हम बात करेंगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई में R। तो मुझे बेसिकली याद क्या करना है, मुझे जो फाइंड करना है वो करनी है रेडियस त्रिज्या R, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले खुद ट्राई करें बाद में सॉल्यूशन देखें। फार्मूला किसका रहेगा इसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, जो गिवन है वही इसमें फार्मूला रहेगा, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए, मैं जो लिख रहा हूं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हो, कर्व सरफेस एरिया हिंदी वाले लिखेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए बात कर रहे हैं हम सिलेंडर है तो सिलेंडर की बात करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कौन की बात करें या किसी और की बात करें ना, बेलन के बारे में दे रखा है तो बेलन का हम सीएसए बात करेंगे। तो इसका सीएसए होता है बेलन का क्या, 2 पाई आर एच, ठीक है, जिसमें हमें आर की वैल्यू नहीं दी गई है, एच दिया गया है। एक तो हमें दिया है क्या, सीएसए कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा दिया है हमें हाइट h, h कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमें h मिल गया, पाई ले रहा हमें 22/7, पाई कितना लेना है 22/7, r हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, r यहां से आ जाएगी। देखिए सी एस ए दे रखा है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो गया 22/7, आर हमें निकालना है, एच कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 7 दूरी कितना हो गया 14, ठीक है। अब देखिए आर की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 दूरी कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में आर 2 सेंटीमीटर, देखिए कैसा आएगा, सेंटीमीटर भी हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है। अब ये पूरा जो मल्टीप्लाई है आर के, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 44 × 88, ठीक है, 44 × 88, चलो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 44 × 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। देखिए इस सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बच गया, तो आ जाएगा 88/सेंटीमीटर डिवाइड बाय 44 × 2 कितना हो गया 88, आर 88 से 88 कट गया, 1 आ गया, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आर,
ये ध्यान रखना हमेशा जो लेंथ होती है, ठीक है, चाहे वो त्रिज्या हो, चाहे वो हाइट हो, है ना, चाहे वो ऊंचाई हो, ब्रिथ हो, ठीक है, वो किस में आती है, सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल, एरिया जो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम, जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, वो आता है क्यूब में, ठीक है। ये क्या मेजरमेंट है, तो कितना आया रेडियस, कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है इसमें, आधार का व्यास। तो आधार का व्यास की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे, तो कितना हो गया 2 × r, तो कितना हो गया 2, r की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। यहां भी लिख सकते हो व्यास, ठीक है, डायामीटर, डायामीटर कितना आ गया 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, तो इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।